ये फाइनल रिजल्ट है। ग्रीन मोड की कैराटिन है। ये हमारे पास जो कैराटिन का ट्रीटमेंट था। और अब मैं बालों को ऐसे ही रहने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत मज़े की वीडियो है। वो इस तरह से, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस टॉपिक पर आज तक कभी भी किसी ने खुद से वीडियो बनाई है। क्योंकि आपने बहुत से जगह पर देखा होगा, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि जो भी लोग कैराटिन करते हैं वो किसी सैलून में जाकर या किसी पार्लर में जाकर करते हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े का सलूशन लेकर आई हूँ, वो ये कि आप अपनी कैराटिन खुद कर सकते हैं। आपको मतलब सैलून में जाकर, आप किसी पार्लर पर जाकर 25,000, 30,000, 40,000 जितने भी आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से आपको नहीं देने पड़ेंगे। आप ये काम खुद में कर सकते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद की कैराटिन करनी है तो मैं आपको भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप खुद की कैराटिन घर में खुद कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को जाकर कहें कि मेरी कैराटिन कर दो, या आप किसी सैलून में जाकर आप इतने पैसे भरें और जितनी भी आपने सेविंग्स की हैं वो सारी आप कैराटिन में आप जाकर लगा कर आ जाएं, ठीक है ना। इस तरह का आपने कुछ भी नहीं करना, मैं आपको करके दिखाऊंगी कैराटिन खुद, क्योंकि मैं खुद अपनी कैराटिन करूंगी। और ये बहुत यूनिक बात है, क्योंकि आपने कभी भी नहीं देखा होगा किसी को कि वो अपनी कैराटिन खुद करे, है ना। ऐसे ही है ना, आपने नहीं देखा किसी को। मैंने पर्सनली कभी किसी को आज तक यूट्यूब पर खुद नहीं देखा कैराटिन करते हुए। जिसको भी देखा है, जिसने भी कैराटिन की है, उसने सैलून से जाकर करवाई है या उसने जो है वो खुद से कैराटिन नहीं की घर में, ठीक है। आज मैं आपको कैराटिन खुद करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। मैं आपको अपने बाल भी दिखाऊंगी। मेरे बाल बहुत कर्ल हैं, अभी मैंने थोड़े थोड़े से बाल जो है वो स्ट्रेट किए हुए हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं। और मैं आपको इसका जो है वो बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट भी दिखाऊंगी। और कहीं मत जाइएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे साथ रहेगा। और हमने अपना कैराटिन को हमने किस तरह से जो है वो हमने स्टार्टिंग पॉइंट इसका लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने जो है वो हेयर वॉश करने हैं। ये मैं आपको इसकी प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ब्री मोड की कैराटिन है, ये देखें। और इस कैराटिन को जो है वो हम घर में खुद अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने एक दफ़ा, पहली दफ़ा जब मैंने कैराटिन करवाई थी तो मैंने सैलून से करवाई थी, मतलब मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने सैलून से करवाई थी और उन्होंने मेरी ये वाली कैराटिन यूज़ की थी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन पैसे भी काफ़ी लगे थे और उन्होंने इस कैराटिन को जो है वो यूज़ करके उन्होंने मेरे बालों को सीधा किया था। और 5 से 6 माह तक का टाइम रहता है अगर आप बहुत एहतियात करते हैं। इसी का आप जो है वो कंडीशनर यूज़ करते हैं और इसी का जो है वो आप शैम्पू यूज़ करते हैं, तो आपके 5 महीने आराम से निकल जाते हैं, ठीक है ना। आपने जो है वो बस शावर लेना है, शावर लेने के बाद आपने हल्का सा अपने बालों को ड्राई करना है। और क्योंकि आपको पता है कि कैराटिन में 100% आपके बाल सीधे नहीं होते, आपके 95% या 90% आपके बाल सीधे होते हैं। आपके बालों का जो गंध होता है, जो आपके बालों का कर्ल होता है, जो भी मतलब आपके बाल का वेव्स और ये वो उजड़ा हुआ चमन जो होता है वो सब सीधा हो जाता है, ठीक है ना। मेरे बालों का भी यही हालात हुए हैं, क्योंकि फिर आप जब बाल सीधे नहीं करते हैं फिर बार बार स्ट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बार बार आप स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे, इससे अच्छा है कि आप जो है वो एक ही दफ़ा कैराटिन करके 5-6 महीने के लिए अपने बालों को स्ट्रेटनर से जो है वो उसकी जान छुड़वा दें, ठीक है ना। ये वाला हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आप इसको दोबारा से देख लें। ये ब्री मोड का कैराटिन प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये देखें, ये ब्री मोड कैराटिन ब्लो आउट है, ठीक है। इसके ऊपर स्टेप्स भी लिखे हैं, इसके ये इसका ए पार्ट लिखा हुआ है और ये इसका बी पार्ट लिखा होता है, ठीक है। इसके अंदर दो ही प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं आपको भी निकाल कर दिखाती हूँ। पहला शैम्पू होता है, दूसरा हमारा कैराटिन का जो प्रोडक्ट होता है जो हमने यूज़ करना होता है, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं आप कैराटिन की वीडियो बना ही लूँ, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेज आ रहे हैं, मुझे बहुत सी गर्ल्स और बहुत से लोग जो कह रहे हैं आप प्लीज़ हमें कैराटिन की वीडियो बना कर दिखाएँ, पैसे बचा लें, ठीक है ना। ये देखें, ये इसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है, ये वाला, इसके ऊपर ए एंड बी लिखा होगा, ठीक है ना। ये बी प्रोडक्ट है, पहले हम ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखें, बस ये दो चीज़ें इसमें से निकलती हैं और ये खाली है। ये हमारा शैम्पू है, इससे हमने बालों को अच्छे तरीके से, मतलब 2 दफ़ा हमने अपने सर को वॉश करना है। और जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको वॉश कर सकते हैं, हमने इसको उतने अच्छे तरीके से अपने बालों को वॉश करना है।
10-10 मिनट के लिए हमने जब अपने बालों को इसके साथ अच्छे तरीके से वॉश करना है, इतनी झाग बनानी है कि आपके बालों के जो पोर्स हैं वो अच्छे तरीके से खुल जाएं, मतलब इससे आपके बाल जो है वो खुरदरे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास कैराटीन की प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके साथ हमारे जो है वो बाल सीधे होते हैं, जो इसका बी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये है इसका ए प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमने पहले यूज़ करना है, और ये है इसका बी प्रोडक्ट, ये हमने बाद में यूज़ करना है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, दोनों एक जैसी हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, ये ना हो कि आप कोई भी पहले इस्तेमाल कर लें और आपको पता ना चले आप बी पहले यूज़ कर लें, आप ए बाद में यूज़ करें, तो वो फिर आपका जो काम सब खराब हो जाएगा, ठीक है। ए को पहले यूज़ करना है, आपने पढ़ लेना है, और बी को आपने बाद में यूज़ करना है, ठीक है। ए हमारा शैम्पू है, बी हमारा कैराटीन के प्रोडक्ट है, जिससे हमारे बाल सीधे होंगे, ठीक है। मैं इस ए प्रोडक्ट के साथ अपना हेयर जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करके आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ, फिर हम जो है वो अपना दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, मैं आपके सामने उसको यूज़ करके दिखाऊंगी, और बहुत मज़े की वीडियो होने वाली। मैं और आपसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इतना ही मैं कर सकती हूँ कि आपके पैसे थोड़े से बचा दूँ, अगर आपके पास 30-35 हज़ार है, 40 हज़ार है, क्योंकि आपके अगर शोल्डर तक आपकी लेंथ है तो सैलून वाले आराम से आपका 20-25 हज़ार आराम से ले लेते हैं। फिर अगर आपकी कमर तक बाल हैं या आपके इससे भी ज़्यादा बाल लंबे हैं, तो फिर आप हिसाब लगाएंगे आपके कैराटीन जो है वो उसके पैसे कहाँ तक आपसे सैलून वाले लेंगे, और अगर अच्छे सैलून वाले हैं तो फिर तो आपका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरी देखें, और सब मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सब कुछ आसान होता है, ठीक है ना। कोर्स एंड डायरेक्शन मैंने लंबा दिया है इसलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जो है वो स्टार्टिंग से अगर आपको मैं बात नहीं समझाऊंगी तो फिर आपको आगे चल के बात की समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर आगे चल के हम काम करेंगे और बोलेंगे कम, इसलिए अभी हमने पहले ज़्यादा बोल लिया और काम हम जो है वो बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि शैम्पू अभी मैंने अपने सर पे लगाया है, वही वाला जो इसका ए पार्ट था मैंने अपने सर पे लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मैं घर में हूँ और रूम में हूँ, तो यहाँ पर जो है वो उस तरह का आपका बेसन वगैरह वो सिस्टम नहीं है, तो मैं शैम्पू लगाकर बालों को गीला करके मैं वीडियो के सामने आ गई हूँ। अब मैं आपको इसको अच्छे तरीके से रब करके दिखाती हूँ, ठीक है। आपने इसको इतना रब करना है, इसकी इतना ज़्यादा आपने इसकी झाग बनानी है कि ये इसके अच्छे तरीके से बाल के जो आपके वो ये खुरदरे हो जाएंगे, इसके पोर्स जो हैं वो सारे खुल जाएंगे, ठीक है। ओके व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि अभी मैंने अपना जो है वो हेड मैंने अपना वॉश कर लिया अच्छे तरीके से, हेयर्स को मैंने, ये आप देखें ये पोर्स इसके हैं, ये सारे इसके पोर्स ओपन हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज्यादा खुरदरे हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बाल आपके इतने ज़्यादा खुरदरे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपने पता नहीं क्या चीज़, आपने कुछ सख्त चीज़ अपने हाथ में पकड़ी हुई है। हेयर्स को इतने अच्छे से आपने इसकी झाग बनानी है कि आपके बालों के जो पोर्स हैं ये ओपन हो जाएं, ठीक है, क्योंकि हमने दूसरी प्रोडक्ट इसमें एडजस्ट करनी है, इसमें हमने इसको जज्ब करना है, तो आपने इसको ध्यान से अच्छे तरीके से इसको अपने सर को आपने मल मल के धोना, ठीक है। बालों में कोई भी कंडीशनर या कोई भी तेल या किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके हेयर्स पर लगी हुई है तो वो ये शैम्पू आपके बालों में से निकाल देगा, ठीक है, निकाल के फिर ही हम दूसरी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अब हमने इसको ड्राई करना है, ठीक है, अब हमने इसको 90% ड्राई करना है, 90% ड्राई करने के बाद हम इस पर जो है अपनी दूसरी प्रोडक्ट जो है वो इस पर हम लगाएंगे, ठीक है। ये बी प्रोडक्ट है, बालों को 90% ड्राई करना है, अच्छे तरीके से पूरा ड्राई नहीं करना, अगर आप चाहें तो आप इसको ड्रायर के साथ ड्राई कर लें। लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है, ये आपके फूले हुए बाल इतने ही खूबसूरत होकर सामने आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ग्लव्स का होना लाजमी है, ग्लव्स के बगैर आपने नहीं करना, ठीक है, पहले आपने अपनी चीज़ें पूरी करनी है, इसके बाद आपने अपना काम शुरू करना, ठीक है। इस तरह से आप इसको कवर कर लें, वो कह रहा है कि इससे आपके बाल जो है वो स्मूथ और नेचुरली खूबसूरत हो जाएंगे। ये आप किसी भी तरह के बालों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके किसी भी तरह के बाल हैं, बहुत कर लें, फ्रीजी हैं, वेव्स हैं, आप हर तरह के बालों पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ल हैं तो आप इसको 7-10 दफ़ा इसको लगाएं अपने बालों पर, स्ट्रेटनर को फेरें, और अगर आपके बाल बस वेव्स हैं, लाइट से बाल हैं आपके, मतलब मुझसे थोड़े से अगर कम आपके कर्ल हैं, तो फिर आप इसको 5-7 दफ़ा स्ट्रेटनर के साथ इसको बार बार स्ट्रेटनर उस पर मारें, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ल हैं तो फिर आप इसको 7-10 दफ़ा अपने बालों पर स्ट्रेटनर को लगाएं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, जितनी भी आपके बालों को चाहिए, पहले हम इसके एक हिस्से के डाल लेते हैं। आपने ये अपने बालों पर बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है कि आपके बाल बिल्कुल ही जो है वो इसमें नुचड़ जाएं, और बहुत कम भी नहीं लगानी है, ठीक है।
थोड़े से बाल लेकर ऊपर बांध देते हैं इसको हम थोड़ा सा लेकर हाथ में, और इसको हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे। ये देखिए, वहां से भी सेम प्रोसीजर हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सारा जो है वो अप्लाई कर लिया ये क्रीम अच्छे तरीके से। अब हम इसको 40 से 45 मिनट बाद हम इसको जो है वो ड्राई करेंगे। इसको हमने अब धोना नहीं है, इसको हम पहले ब्लो ड्रायर से इसको ड्राई करेंगे और उसके बाद इसी को हम स्ट्रेट करेंगे ताकि ये क्रीम हमारे बालों में अच्छे तरीके से रह जाए और इसी से हमारे बाल जो है स्ट्रेट होंगे। ठीक है, ऐसे कॉम के साथ इसको कॉम करते रहना। ठीक है, ठीक है, अभी हम 45 मिनट्स के बाद जो है वो बालों को ड्राई करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 45 मिनट्स बाद। ओके व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम बालों को ड्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े बाल अभी ड्राई हुए हैं, ज़्यादा बाल अभी ड्राई नहीं हुए। ठीक है, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ये हम लोगों ने बाल जो है वो ड्राई कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। खुद से अगर आप करेंगे, क्योंकि मुश्किल काम है तो थोड़ी सी मेहनत भी लगती है और फिर मुश्किल भी होती है। ओके व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं ये अब मैं स्ट्रेटनर ले आई हूँ। अब हमारा काम है स्ट्रेटनर का और आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और 10 से आपने 7 दफ़ा आपने अपने बालों को स्ट्रेट करना है। और इधर से
ऐसे थोड़े थोड़े बाल लेकर इस तरह। अभी हम क्लिप कैचर लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट करने के बाद हम किसी किस्म का कोई क्लिप कोई कैचर अपने सर पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो बाकी जो भी इसकी एहतियाती तदाबीर होती हैं वो मैं आपको एंड में बता दूंगी, ठीक है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से आप अपने बाल सीधे करने हैं। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से, ये जो आप स्ट्रेट करेंगे ना यही आपका जो है ना वो 4-5 महीने यही आपका स्ट्रेटनिंग निकालेगा, ठीक है। इसलिए आपने इसको एहतियात से और आराम से करना। और ये देखें इस तरह से, ठीक है। इतने से बाल लेकर बाकी बालों को हम बांध लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैराटिन का प्रोडक्ट है वो प्रोसीजर है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं सिर्फ लास्ट कॉम कर रही हूँ, और अब हम आखिरी दफ़ा इस पर जो है वो स्ट्रेटनर लगाएंगे और कैराटिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से तो व्यूअर्स कैराटिन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये फाइनल रिजल्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ये आप देख सकते हैं,
व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसकी क्या एहतियात करनी है। आपने अपने 72 घंटे तक और 3 दिन तक आपने अपने सर को पानी नहीं लगने देना, आपने कोई पिन नहीं लगानी, आपने कोई ऑयलिंग नहीं करनी, आपने किसी भी किस्म का कुछ भी अपने सर पर नहीं लगाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लोगों को बहुत खुशी होगी, 4-5 महीने आप लोगों के बहुत अच्छे गुजरेंगे, ठीक है। तो जी अच्छा, आपने बाल इस तरह से कान के पीछे भी नहीं करने, ठीक है। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी और को भी जो है वो फ़ायदा हो सके और उसके भी पैसे बच सकें। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सबके आंसर्स दूंगी। और मेरी हेयर कलर से रिलेटेड भी वीडियोज़ हैं वो आप देखें, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। ये अगर आपको मेरा हेयर कलर अच्छा लग रहा है तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर वो हेयर कलर अप्लाई करें, उसके बाद आप कैराटिन करें और प्यारा सा मेकअप करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, आप बहुत प्यारे लगेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।